तो स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल और Android ऐप पर। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ कुछ ऐसे वाक्य, कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो आप लोग गुस्से में बोल सकते हैं। गुस्से में जब आप लोग किसी को कुछ भले भले बुरे शब्द कहते होंगे, अच्छे अच्छे वाले, तो वो समझ जाता है कि आप क्या कह रहे हैं। तो इसलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश के कुछ ऐसे वर्ड्स और कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो आप लोग बोल दीजिए, सामने वाला इंग्लिश नहीं पढ़ा हुआ है तो वो समझ भी नहीं पाएगा कि आपने क्या बोला है ना। हमने बोल दिया, अपना काम भी हो गया, वो समझ भी नहीं पाया। ठीक है, तो जैसे अगल बगल से कोई मान लो झगड़ा वगड़ा कर ले तुमसे, कोई पड़ोसी अड़ोसी है ना, खास तौर पे लड़कियां वड़कियां, तो उनको ये सब तुम लोग बोल सकते हो, क्योंकि जितने भी वाक्य आज मैं बताने वाला हूँ लड़कियों के ऊपर या आपके दुश्मनों के ऊपर बहुत ही फिट बैठेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो आप इस समय एजुकेशन क्लासेस में हैं, आपको पता है, और इंग्लिश ट्रायंगल नाम का मेरा एंड्रॉयड ऐप भी है। ठीक है, अभी छोटे बच्चे का यहाँ पर पैर आ चुका है, इसलिए आप ध्यान मत दीजिएगा, छोटा बच्चा है, कोई बात नहीं। इसको अगर आप लोग YouTube पे देख रहे हैं तो जल्दी ही से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं, और साथ में इस वीडियो को तुरंत ही लाइक भी कर दीजिए, और दूसरे बच्चों को, दूसरे दोस्तों को शेयर भी इसको कर दीजिए। ठीक है, और अगर आप इसको एंड्रॉयड ऐप पर देख रहे हैं तो जल्दी से एंड्रॉयड ऐप को शेयर करो ना यार, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। ठीक है, तो आज यहाँ पर मैं आपके लेकर के आया हूँ गुस्से में बोले जाने वाले कुछ अंग्रेजी वाक्य यानी कि सेंटेंसेस। ठीक है, पहला सेंटेंस यहाँ पर है जो हम लोग आम तौर पे बहुत बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुझसे इस तरह बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। जैसे मान लो कोई आपसे लड़ाई झगड़ा कर रहा हो, कुछ अच्छे शब्द अगर आपसे बोल दिया आपको, तो आप उसको पूछते हैं कि आपकी हिम्मत कैसे, आपकी तो नहीं बोलोगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरीके से बात करने की, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको अब हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बात करने की। यहाँ पर देखिए, कैसे, कैसे को हम लोग क्या बोलते हैं, हाउ। ठीक है, और हिम्मत को हम लोग बोलते हैं डेयर। तो क्या हो गया, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर यू का मतलब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। लड़कियां ये बातें बहुत जल्दी ज्यादा बोलती हैं, ये वाला सेंटेंस, हाउ डेयर यू, भले उनको हिंदी नहीं पता हो। ठीक है, हाउ डेयर यू टॉक टू मी, यानी हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई टॉक टू मी, मुझसे बात करने की, लाइक दैट, इस तरह या उस तरह, इस तरह उस तरह बात करने की तुम्हारी मुझसे हिम्मत कैसे हो गई, है ना। ये समझ में आया है ना, इसको एक जगह लिखते चलिए और इसको अप्लाई करना, कहीं पे झगड़ा वगड़ा हो जाके कूद करके वो इसको बोल देना इस तरह। चलिए आगे देखिए, यहाँ क्या बकवास चल रही है। जैसे तुम कहीं पे अचानक से पहुंचे, वहां पे कुछ खूब मचाए हुए हैं, कोई पंचायत उंचायत चल रही है, तो यहाँ पे जाकर के तुम ये वाला सेंटेंस बोल सकते हो। यहाँ पर, यहाँ क्या बकवास चल रही है, व्हाट द हेल, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन हेयर, इज गोइंग ऑन हेयर, गोइंग ऑन हेयर का मतलब आप लोग समझते होंगे यहाँ चल रहा है, और व्हाट द हेल का मतलब क्या बकवास, क्या बुरी चीजें यहाँ पर चल रही है ना। हमारा तीसरा सेंटेंस जो है वो है, क्या तुम्हारी जबान कैंची की तरह चलती है। जीवन में सबके साथ कोई ना कोई ऐसा जरूर होता है जिसकी जबान कैंची की तरह चलती हो। मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी जबान कैंची की तरह चलती है, और अब मैं उनसे यही वाला इंग्लिश बोल के चलाता हूँ, उनको पता भी नहीं चलता मैंने क्या बोल दिया, है ना। मैं बोलता हूँ योर टंग, यानी जबान, तुम्हारी जबान मूव्स मतलब चलती है, लाइक अ सीजर, सीजर्स मतलब कैंचियां, तुम्हारी जबान कैंचियों की तरह चलती है, यह आप बोल सकते हैं किसी से भी। आगे देखिए, अभी मेरे में एक कॉल आ रहा है, हो सकता है इस वजह से आपको वाइब्रेशन आ गया हो वीडियो में, तो कोई बात नहीं है, कोई वाइब्रेशन हमारी वाइब को रोक नहीं पाएगा, नहीं बदलोगे। ये कई बार लोगों ने आप लोगों से भी बोला होगा कि तुम नहीं बदल सकते हो, मुझसे रोज आए दिन लोग बोलते हैं कि तुम नहीं बदलोगे। अरे क्यों बदले, मुझे मुझे अच्छा लग रहा है मैं जिस तरह का हूं, है ना। तो तुम नहीं बदलोगे, इसको हम लोग कैसे कहेंगे इंग्लिश में, यू वॉन्ट चेंज, यू वॉन्ट चेंज, यानी तुम नहीं बदलोगे कभी भी। ठीक है, अगला सेंटेंस हमारे पास है जबान संभाल के, यानी हम लोग अचानक कोई हम लोग कोई अच्छी बात कह रहा हो, सुंदर वाली बात, तो वो सुंदर बात हमें सुंदर ना लगे, तो हम लोग क्या कहते हैं, जबान संभाल के, है ना। तो जबान संभाल के लिए ये तो बहुत इजी है, ये तुम लोग जानते होगे, क्या बोलते हैं हम लोग, माइंड योर लैंग्वेज, यानी अपनी भाषा को माइंड करो, अपनी भाषा पर गौर करो, तुम गलत बोल रहे हो, पिट भी सकते हो, है ना। चलिए अगला सेंटेंस जो है हमारे पास, और आज की वीडियो का अंतिम सेंटेंस, ये वीडियो बहुत शॉर्ट है क्योंकि मैं चाहता हूँ कुछ आप लोग सीख लें, बहुत छोटी वीडियो है ये, चुप रहो मैं कुछ सुनना चाहता हूँ, चुप रहो मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, चुप रहो मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, यानी कोई मान लो अनलिमिटेड बकवास करे पड़ा है और उसकी बात हमें पसंद नहीं आ रही है,
तुम लोग बोलते ना अबे चुप रहा भाई, बस बकवास बंद करो, अब नहीं सुनना चाहते, तो उसके लिए इंग्लिश यहाँ पर ये है, क्या है? शट अप। शट अप का मतलब चुप हो जाओ या शांत हो जाओ। आई डोंट वॉन्ट टू हियर एनीथिंग, आई डोंट वॉन्ट यानी मैं नहीं चाहता, टू क्या नहीं चाहता, हियर एनीथिंग, हियर मतलब सुनना, एनीथिंग मतलब कुछ भी, मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता हूं। ठीक है, चलिए तो आज हम लोगों ने 6 ऐसे सेंटेंस सीखे हैं जो हम लोग गुस्से में झगड़े में प्रयोग कर सकते हैं। अब इंतजार करो कि किसी के साथ झगड़ा हो और ये सब सेंटेंस तुम उसको फेक करके मारो, है ना। तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे अगले एपिसोड में। इस सेंटेंसेस, सारे सेंटेंसेस को एकदम रट लो, आपके जबान पे एकदम बैठे होना चाहिए ताकि कहीं पे अगर आप बोल दिए तो उसको लगे कि आपको बहुत ज़्यादा इंग्लिश आती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।